एक्सेल डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब हम समझ लेते हैं कि जो गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट है वह जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस पर जीएसटी की क्या प्रोविजंस है नॉर्मली गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति को यदि कोई सर्विस देता है अदर देन टू द गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के बाई वे ऑफ स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज उस पर जीएसटी गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट पे करेगा यानी कि इन सर्विसेज पर यदि कोई बिजनेस एंटिटी लेती है तो उसको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार ही यदि गवर्नमेंट का पोस्ट डिपार्टमेंट कोई एजेंसी सर्विसेज देता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स पासपोर्ट एप्लीकेशन कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन कमीशन बेसिस तो ये जो सर्विसेज हैं वो इंटरमीड सर्विसेज मानी गई हैं इनको एजेंसी सर्विसेज कहा गया है और इनके ऊपर जो है जी की लाइबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बनेगी ये रेफर किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 12 ली दो के सीरियल नंबर 6 में अब हम लोग समझ लेते हैं उन सर्विसेज़ को जिनको कि यदि गवर्नमेंट का पोस्ट बटन प्रोवाइड करता है तो उस पर जी नहीं लगेगा नॉर्मली इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक तो जो बेसिक मेल सर्विसेज जैसे कि पोस्टल सर्विसेज, पोस्ट कार्ड इनलैंड लेटर बुक पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सक्लूसिवली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड करता है टू मीट यूनिवर्सल पोस्टल ऑब्लिगेशन उन पर जीएसटी नहीं लगेगा इसी प्रकार ही यदि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर सेविंग बैंक अकाउंट ऑपरेशन पोस्टल ऑर्डर इश्योस या पेंशन पेमेंट जैसी और सर्विस देता है उन पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा जीएसटी की बेस्ट और लेटेस्ट बुक्स पढ़ने के लिए और इस यूट्यूब वीडियो में डिस्कस किए गए जीएसटी मटेरियल को रेफर करने के लिए आप इस यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉट कॉम पर विजिट करें थैंक यू